मैं डीसीपी ट्रैफिक लक्ष्मण दास सभी जयपुर वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और अपील करता हूं कि अभी 25 तारीख से अपने त्योहारों का मौसम चालू हो जाता है और 31 तारीख तक नववर्ष के तक चलता रहता है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि नववर्ष के दौरान, नववर्ष की पार्टियों के दौरान कोई भी शराब पीकर तेज़ गति से वाहन नहीं चलावे, क्योंकि शराब पीकर तेज़ गति से वाहन चलाते हैं तो एक्सीडेंट निश्चित होता है और एक्सीडेंट से नुकसान सारे परिवार को होता है। आदमी जो लापरवाही करता है वो तो जाता ही है, सारे परिवार को भी नुकसान होता है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस सभी पॉइंट्स पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी और जिसमें आपका शराब पीकर वाहन चलाने के संबंध में, तेज़ गति से वाहन चलाने संबंध में, रेस ड्राइविंग के संबंध में पुलिस थाने में मुकदमा भी आपके खिलाफ दर्ज हो सकता है और चालान भी हो सकता है, आपका वाहन भी सीज हो सकता है। तो इसलिए सभी सावधानी से और अच्छी तरह से यातायात नियमों का पालन करते हुए चलाएं। सब लोग वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य इस्तेमाल करें और दो से ज़्यादा सवारी किसी भी दुपहिया वाहन पर नहीं बैठावें। सीट बेल्ट का भी अवश्य प्रयोग करें और जो स्पीड लिमिट है उस स्पीड लिमिट में ही वाहन शहर के अंदर चलाया जावे। जिस आदमी ने शराब सेवन किया है वो घर से बाहर नहीं निकले और वाहन कतई नहीं चलावे। ये अपने सबके लिए ही फायदेमंद होता है। आदमी शराब पीने के बाद में उसका होश में नहीं रहना, उसका मन कंट्रोल में नहीं रहता है, शरीर कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इसलिए ये अपने सभी के लिए, सभी जयपुर वासियों के लिए मैं ये अपील करता हूँ कि कोई इस तरह की गतिविधि नहीं करें ताकि किसी को ऐसा मान्य स्थिति का सामना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव भार्गव, सीके बिरला हॉस्पिटल इमरजेंसी हेड। आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे कि ये एक फेस्टिव सीजन अभी हमारे पास है नववर्ष के उपलक्ष्य में, तो इस समय ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमने देखा है इमरजेंसी में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव वाले और उनको काफ़ी इंजरी हो सकती है, जैसे कि उनका कोई एक अंग कट सकता है या उनकी जान भी जा सकती है या उनका हेड इंजरी हो सकती है। तो उससे उनको तो नुकसान होता ही है, साथ में पूरे परिवार को काफ़ी नुकसान होता है और उनके लिए वो समय बहुत ही पीड़ादायी होता है। ऐसे समय में हम सीके बिरला हॉस्पिटल में पॉलीट्रॉमा टीम के साथ उनको अटेंड करते हैं और जो एक गोल्डन आर पीरियड होता है, जो कि इनिशियल फर्स्ट आवर आफ्टर इंजरी होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिसमें कि अगर सही तरीके से उपचार दिया जाए तो हम उसकी डिसेबिलिटी को काफ़ी कम कर सकते हैं। ऐसे में पूरी तरह से हमारी टीम तैयार है, 24/7 इमरजेंसी टीम एट सीके बिरला हॉस्पिटल विद ऑल द स्पेशलिटीज इंक्लूडिंग द ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जरी, जीआई सर्जरी टीम अलॉन्ग विद सीटीवीएस एंड प्लास्टिक सर्जरी रिक्वायर्ड। धन्यवाद।